हाँ बेटा, सहरे में कितना टाइम बाकी? अरे अब्बू अभी बहुत टाइम है, आराम से खाएं। नमक थोड़ा ज्यादा कर दिया तुमने। कभी तो तारीफ कर दिया करे मेरे खाने की। अस्सलाम वालेकुम। और अम्मी, क्या पकाया सहरी में? बेटा, कब तक ऐसे सहरी खा के रोजे के बगैर जीते रहोगे? सहरी कर लेते हो, रोजा रखते नहीं है। अरे अब्बू, सहरी के वक्त खाना खाने से सेहत बनती है, इस वजह से उठ जाता हूँ सहरी करने के लिए। अब्बू वैसे ये गलत बात है, मैं 14 साल की उम्र से पूरे रोजे रख रहा हूँ और इसको देखिए इतना बड़ा हो गया रोजे नहीं रख रहा। अरे छोड़े ना, अभी तो ये छोटा है। कोई छोटा मोटा नहीं है, ये पूरे 20 साल का हो गया है, अब से तुम पूरे रोजे रखोगे। लेकिन अब्बू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। जी अब्बू। 1 hour later. बेटा आ गए तुम, मस्जिद से नमाज पढ़ गए? अरे अम्मी, मस्जिद जाने की हिम्मत नहीं थी, मैंने घर पे ही नमाज पढ़ ली। बेटा तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा ना छोड़ें, आप ये बताएं क्या बना रही हैं? बेटा सैंडविच बना रही हूँ, पकौड़े भी बनाने और फ्रूट चाट भी बनानी है ताकि थोड़ा आराम कर सकूँ। अच्छा चले, आप अपना काम करें, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है बेटा, आराम कर लो तुम, मैं अफ्तारी के वक्त उठा दूँगा। Hours later. ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? अब्बू मैं पानी पी रहा था। क्यों, क्या हुआ? बेटा तुम्हें कुछ याद है कि आज क्या है? अब्बू आज मंडे। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है आज तुम्हारा रोजा है। वो शिट, मेरा तो रोजा था। इसका मतलब अब्बू मेरा रोजा टूट गया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा रोजा नहीं टूटा, तुमने गलती से पानी पिया है ना। जी जी अब्बू, गलती से ही पिया है। हाँ तो गलती से पानी पीने से रोजा नहीं टूटता। ओह शुक्र, मेरा रोजा टूटने से बच गया। ये ले अब्बू, थैंक यू। अबे क्या फजूल हरकतें करते हैं लोग। वाह क्या स्कीम है, सही जा रहे हैं भाई ये लोग। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अभी से रोजा लग रहा है क्या? अबे यार वॉशरूम आ रहा है। वॉशरूम आ रहा है? अबे लेकिन वॉशरूम तो अपनी जगह पर है। यार रोजे में ठंडी कर रहे हो यार, वैसे ही रोजा लग रहा है। अबे रोजा लग रहा है तभी ठंडी कर रहा हूँ, गर्म करूंगा तो और रोजा लगेगा। वेरी फनी। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? अब्बू ऐसा हो सकता नहीं बल्कि ऐसा हो गया है। वैसे एक बात है, जब मैं किचन में सैंडविच बना रही थी तो डब्बोटी को किसी ने खाया हुआ था। देखा अब्बू, और जब ये बाथरूम गया हुआ था तो पानी पीने की आवाजें आ रही थी। हाँ बेटा, मैंने भी उसको अपनी आंखों से पानी पीते हुए देखा है, लेकिन वो तो कह रहा था मैंने गलती से पिया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है अब्बू, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाय हाय, मेरे बच्चे को सांप का? अगर किसी ने मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं। अरे भाई वो सिर्फ मिसाल दे रहा है यार। हाँ बेटा, तुमने कुछ सोचा? अब्बू, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्या प्लान स्टार्ट करें? जी अब्बू, 1 2 3। अब्बू, आपको पता चला है टंकी में चूहे मरे पड़े हैं। क्या कहा? चूहे मरे पड़े हैं? अब्बू, एक चूहा नहीं बल्कि 10 बड़े बड़े चूहे मरे पड़े हैं। 10 चूहे मरे पड़े हैं। अब्बू, तुम तो कुछ बोलो। इसका मतलब हम जहरीला पानी पी लेते हैं? अब्बू, शुक्र है हम लोग का रोजा था, हम लोगों ने जहरीला पानी नहीं पिया। इसका मतलब हम बच गए। जी, हमने जहरीला पानी नहीं पिया, हम लोग सेफ हैं। क्या कहा? हम लोग सेफ हैं। लेकिन जिसने भी पिया वो तो मर जाएगा। क्या कहा? जो जहरीला पानी पिएगा वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। बेटा, जल्दी से टैंक साफ कराने वाले को बुलाओ, हमारा टैंक गंदा हो गया है। अब्बू, सारे टैंक साफ करने वालों ने मना कर दिया कि रोजे में हम काम नहीं करेंगे। चोर पकड़ा गया।